यार ब्रो सुनिएगा, हम लोग सबों को एक रोग है यहां, और उस रोग का नाम है भव रोग। क्या नाम है? भव रोग। भव का मतलब जन्म मृत्यु, जरा व्याधि का रोग है सबों को। तो उसका मतलब अगर हम रोगी हैं तो ये जगह क्या हुई प्रभु जी? हॉस्पिटल, अस्पताल है ये। क्योंकि रोगी कहां होता है? और आपने इस अस्पताल को क्या समझ लिया है? होटल। अब कोई रोगी अगर अस्पताल को जाके होटल समझ ले, उसका क्या होने वाला है? बेड़ा गर्ग या बहुत अच्छा? हम सबके सब भव रोग से पीड़ित हैं, और इस अस्पताल से बीमारी का इलाज करने की जगह वो कार्य कर रहे हैं जिससे कि बीमारी और बढ़ रही है। दूसरी चीज, कल बताया था ना, हम लोग क्या है? सब बद जीव हैं। क्या जीव हैं? बद, बंधे हुए जीव हैं। तो बद कहाँ होते हो? जेल में। तो ये बड़ा अजीब सिस्टम है, यहाँ हम जेल के अंदर अस्पताल में हैं। पहले तो अस्पताल से निकलना है और फिर जेल से भी निकलना है। तो कहते हैं ना, ये क्रिमिनलों का वार्ड है, तो ये जेल कम अस्पताल है ना प्रभु जी? जब क्रिमिनल को तबीयत खराब होती है, उसको जनरल वार्ड में नहीं रखते, उसका वार्ड जेल जैसा ही होता है अस्पताल के अंदर। तो ये भव रोग से पीड़ित बद जीव और मजा करना चाह रहे हैं, करो। और बड़ा अजीब मजा है यहां का, बताऊं भी? जब कोई स्किन डिजीज हो जाती है ना, एक्जिमा या कुछ हो जाता है ना प्रभु जी, तो वहां खुजाओ तो बड़ा मजा आता है। हाँ, जब ये स्किन डिजीज होती है वहां खुजाने में बड़ा मजा आता है, और आगे खुजाता है, जितना खुजाता है उतना बीमारी बढ़ती है। तो यहां का भी जो सुख है ना, वो इसी तरीके से क्या मजा आ रहा है, अबे बेटा बढ़ रहा है, तेरा रोग बढ़ रहा है। बच्चे के साथ भी होता है, चोट लग जाती है, कई बार वो काला सा पत्री आ जाती है ऊपर पड़ी, उस टाइम खाज करने की दिल करता है ना प्रभु जी, तो आप करते हो उसका हाथ बांध देते हो कि इसको अगर खाज दिया इसने, इसको तो मजा आ जाएगा, परंतु बाद में रोएगा, क्योंकि ये वुंड जो है, ये जो घाव है, ये बढ़ जाएगा। और यही हमारे साथ होता है। ये भौतिक जगत के जो आप जो सुख अनुभव करते हो, उसको इस तरीके से बताया गया है कि जितना खुजाओ उतना बड़ा मजा आ रहा है। बेटा मजा कहाँ है? उसका अंत तो दुखी है। तो इसलिए दोनों चीज और जन्म मृत्यु, जरा दुख है बताया गया। जन्म मृत्यु को मैं बता चुका हूं इसके बारे में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान ने ज्ञानियों के बारे में बताया कि ज्ञान क्या है। उन्होंने बताया एक, उसमें से एक पॉइंट यह है कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को दुख मानता है वो ज्ञानी है। वो क्या है? ज्ञानी है, क्योंकि वो उसको दूर करने की कोशिश करेगा। समझो इस बात को, जो इसको दूर करने की कोशिश करेगा। अब क्या बताया? जन्म बंधना, जन्म बंधन है। जन्म क्या है? बंधन है। तो प्रभु जी बार बार जन्म लोगे मृत्यु लोगे तो बंधन में फंस रहे हो, और बंधन में तो कोई खुश हो नहीं सकता। अब एक बड़ा अजीब चीज कई बार बोलते हैं मुझे लोग, अरे प्रभु जी जब तक दुख नहीं हो तो सुख का क्या मजा है, है ना प्रभु जी? तो प्रभुपाद जी बड़ा जबरदस्त उदाहरण देते थे, पहले अंग्रेजी बताऊंगा फिर हिंदी बोलूंगा। You don't have to be kicked by an ass to understand that how it nice it feels not to be kicked by an ass. एक गधे से लात खाना जरूरी नहीं है जानने के लिए कि लात ना पड़े तो कितना मजा आता है। गधे गधे लात मार, क्यों मजा लेना है भाई? क्योंकि तू जो लात मारेगा तो दुख होगा, और बाद में जब तू नहीं मारेगा तो मजा आएगा, हैं? ऐसा होता है? बताइए भाई, ये तुझे क्या पता है? जब तक तुझे कैंसर नहीं होगा तुझे स्वस्थ होने का क्या मजा पता लगेगा? बोले तुझे ही हो भाई, हैं? बीमार पड़ना जरूरी है प्रभु जी ये जानने के लिए स्वस्थ होना कितना अच्छा है? गरीब होना जरूरी है ये जानने के लिए कि अमीरी की क्या मजा है, हैं? जरूरी है? अब ज्ञानी होना जरूरी है जानने के लिए कि ज्ञान कितना बढ़िया चीज है? कैसी मूर्खता वाली बातें करते हैं हम लोग, कोई जरूरत नहीं है। आप पता नहीं भगवान से अलग रहने के लिए क्या क्या फंडे लगाते हैं प्रभु जी लोग, पूरा दिमाग लगा देंगे किस तरीके से भगवान की बात ना माने, भगवान नहीं है। अब आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया था दो प्रकृतियां हैं, और दोनों प्रकृतियों के बारे में बताता हूं। भौतिक प्रकृति को एक और नाम है उसका, इस भौतिक जगत का, उसका नाम है कुंठा। क्या नाम है? कुंठा। कुंठा का मतलब कुंठित, कुंठित का मतलब दुखी। इस जगत को क्या कहा गया है? कुंठा, हम ही कहते हैं। और एक जगत का नाम और है वैकुंठा। वै का मतलब जो कुंठा से परे है, उसको वैकुंठ कहते हैं। आप सिंपल समझ लीजिए,
ये कुंठा, आत्मा जो है वो सत्चित आनंद है, मैं तो आनंद का स्वरूप हूँ क्योंकि मैं आनंद का अंश हूँ। प्रभु जी तो बताइए, सत्चित आनंद वाला व्यक्ति कहाँ फंसा हुआ है, असत अचित निरानंद में? क्या ये मेरा घर है? हैं, हमारी बताऊं क्या हालत है? मछली को पानी से निकाला आपने, हे मछली रानी, वो मछली बोलो क्या बोलते, जल्दी बोलो, पानी में डालो वापस। नहीं नहीं, तेरे लिए हजार कमरों का मैंने एक महल बनाया है, उसमें हजारों नौकर हैं, उसमें रोज तुझे हजारों डिश मिलेंगी, एयर कंडीशन है टोटली। मछली क्या कहेगी? यार पानी में डाल दे वापस, हम भी प्रभु जी तड़प रहे हैं। जैसे देखा ना, मछली को आप निकाल के अगर आप जमीन में डाल देते ना, तो वो तड़पती है, उछलती है, कूदती है। क्यों कूदती है, उछलती है? क्योंकि वो पानी ढूंढ रही है। हम लोग भी जन्म जन्मांतर, ये कर लूंगा तो उससे कुछ खुशी मिल जाएगी, ये कर लूंगा तो आनंद मिल जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा तो आनंद मिल जाएगा, अरे इस घर में शादी हो जाएगी तो आनंद मिल जाएगा, ऐसा बड़ा नाम वाला बन जाऊंगा तो आनंद मिल जाएगा, छटपटा रहे हैं बचपन से लेके अंत तक। फिर एक दिन छटपटाते छटपटाते चले गए, फिर अगला जन्म लिया, फिर छटपटा रहे हैं। हकीकत में ढूंढ क्या रहे हैं? अपना घर, अपना स्थान। ये हमारा घर नहीं है, ये जेल है, यह अस्पताल है, और अस्पताल और जेल तो कभी किसी का घर हो नहीं सकता। हमें वापस जाना है उस जगह को, वैकुंठ कहा है। और आप पूछो गीता में है क्या? हां, चलिए बात करते हैं। भगवान ने पहले बताया दुखाल्यम, और फिर बताते हैं परस्तस्मात् तु भावो अन्यो व्यक्तो अव्यक्त सनातनः या स सर्वेषु भूतेषु नस्तस्य न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो अभी हमें व्यक्त नहीं है, जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यहां का दो पदार्थ है, यहां व्यक्त और अव्यक्त। आपका हवा व्यक्त है क्या अव्यक्त है? अव्यक्त है। तो यहां दो प्रकार के पदार्थ हैं, व्यक्त और अव्यक्त। मन क्या है? व्यक्त है, अव्यक्त? अव्यक्त। शरीर व्यक्त। तो इन दोनों प्रकार के चीजों से परे है, वो शाश्वत है, और ये जगह क्या है? अशाश्वतम। और वो जगत क्या है? शाश्वत। और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, ये परा श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ क्षय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। जिसे वेदांत और प्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम लक्ष्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। यम प्राप्य नानते तद धामा परमम माम। जिसको प्राप्त करने के बाद ना निवर्तनते, ये वापिस इस चक्कर में नहीं आता। तद धामा, वो धाम, धाम का मतलब जगह, किसकी है? परमम, परम मेरी है। अगर जगह है तो भगवान निराकार है, साकार है? फिर सिद्ध हो गया, जगह साकार, भगवान भी साकार और जीव भी साकार। आगे फिर बोलते हैं यद, अब बताते हैं भगवान, देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं। ना वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, नौर ना अग्नि या बिजली से, क्योंकि भगवान की अंगकांति से ही वो प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामा परमम माम। यद गत्वा, जो वहां चला गया, ना निवर्तन्ते, इस भौतिक जगत में दोबारा नहीं आता, तद धामा परमम माम, वो परम धाम किसका है? मेरा है। तो हमारा लक्ष्य क्या है प्रभु जी? अपने घर वापस जाना। मैं कहीं और नहीं ले जा रहा आप।